अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बरवाला नगर में आज पुराने बस अड्डे से मोती लुहार वाली गली को अनाज मंडी रोड से जोड़ने को लेकर आज 36 बिरादरी के लोगों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत की अध्यक्षता व्यापार मंडल के अध्यक्ष जय नारायण राजली वाला ने की। इस महापंचायत में उपस्थित बरवाला के विधायक वेद नारंग ने कहा कि यह रास्ता वर्षों पुराना है और वर्षों से ही हमारे बरवाला और आसपास के लोग पुराना बस स्टैंड से अनाज मंडी रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब इस सरकार में लघु सचिवालय बनाने के चक्कर में इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। वह भी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस रास्ते को खोला जाए और बरवाला शहर के लोगों को राहत प्रदान की जाए। अगर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। विधायक ने कहा कि हमारी पंचायत के लिए निर्णय के अनुसार 3 दिन का समय प्रशासन को देते हैं। अगर 3 दिन तक प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो पहले SDM स्तर पर घेराव किया जाएगा और उसके बाद अगली रणनीति तय की जाएगी। इस महापंचायत में उपस्थित बरवाला के विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि और समाज सेवी और गणमान्य व्यक्ति राजा मेहंता, इंद्रजीत, नवीन जुगलान, मनीष गोयल, धीरा जाट, रवि सदाना, नूर मोहम्मद, रमन मेहता, रमेश मेहता, कामरेड रोहता सहित अनेक वक्ताओं ने इस गली को पूर्ण रूप से दर्जा दिलाने की पुरजोर मांग की और महिलाओं और पुरुषों में मिलकर पूरे शहर में जुलूस भी निकाला और शहर के लोगों को इस अभियान में जुड़ने के लिए अपील भी की गई। इस मुद्दे पर बात करते हैं बरवाला के विधायक भाई वेद नारंग जी से। विधायक साहब नमस्कार। ये जो मुद्दा है बरवाड़ा में रास्ता देने का, इसके बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, पुराने समय से ही ये जो रास्ता था, आम बरवाड़ा शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों का भी यहाँ से कच्चा रास्ता एक था और उस पे चाहे रेलवे स्टेशन हो पुराने समय से ही हो या मंडी हो या स्कूल हो, यहाँ से ही आने जाने का काम किया जाता था, लेकिन अब सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि ये रास्ता खोलकर लोगों को राहत प्रदान की जाए ताकि बच्चे जो इतनी दूर से घूम कर आएंगे उनके लिए भी दुविधा होगी और आम जनमानस को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि जब सरकार ने इसका नक्शा बना दिया है सचिवालय का, और उसके बाद में क्या फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल, सरकार का काम होता है लोगों को जनमानस को आम सुविधा प्रदान करना। अगर किसी नक्शे से कोई दिक्कत पैदा होती है तो उसे दूर करके सरकार तो उसका कोई और अल्टरनेट निकाल सकती है, लेकिन लोगों के पास और कोई अल्टरनेट नहीं होगा। यहाँ अगर वो सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आज की जो महापंचायत बरवाड़ा के 36 बिरादरी लोगों ने की है, तो आज विशेष ठोस निर्णय क्या लिया गया? आप भी मौजूद थे इसमें। सरकार को 3 दिन का प्रशासन को समय दिया गया कि वो इस मामले को गंभीरता से ले, नहीं तो 3 दिन के बाद उनका घेराव किया जाएगा। घेराव किस स्तर के कर किया जाएगा? पहले SDM स्तर तक के कार्यालय तक घेराव किया जाएगा, वहां से फिर अगली कार्रवाई। धन्यवाद। बात करते हैं बरवाला के समाज सेवी और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता ईश्वर सिंगला जी उर्फ छोटू सिंगला जी से। ईश्वर जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो बरवाला की मांग चल रही है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये बरवाड़ा की जनता की जो मांग है बिल्कुल जायज है और मैं इस मुद्दे को मैं CM साहब के पास रखूंगा और मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस समस्या का जल्दी ही समाधान हो जाएगा। बात करते हैं बरवाड़ा के समाज सेवी भीम सिंह कट्टू जी से। भीम सिंह जी बताएं, बरवाड़ा में ये कुछ दिनों से बरवाड़ा के नागरिक पुराने बस स्टैंड से मोती लुहार वाली गली को अनाज मंडी तक जोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी राय बताएं। सर, ऐसा है कि ये आंदोलन जायज है। सब हम 36 बिरादरी के लोग, अगर ये मार्ग पूरा ना हुआ तो सब 36 बिरादरी के लोग हम परेशान हो जाएंगे। इस परेशानी को हटाने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये परेशानी नहीं हटी तो हम ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। हर न्यूज के लिए बरवाला से कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी, बरवाला की रिपोर्ट। हर न्यूज, हरियाणा।